वेलकम टू BSc लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ BSc एकेडमी गुवाहाटी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि कोई भी एग्ज़ाम में डेफिनेटली रीजनिंग के यहाँ से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस क्वेश्चंस को मैं आप लोग चाहे तो फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली। अगर आपको बेसिक अप्रोच आता है इसका तो किसी भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला से सिर्फ आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का सबसे पहले मैं बेसिक आपको अगर फार्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको बेसिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है दैट इज़, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, जो भी बेसिक फार्मूला होता है इसका दैट इज़ लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को अगर आप ऐड करके माइनस वन कर दें तो आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। बट हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट फार्मूला। सबसे पहले मैं एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो इजीली कर पाएंगे। एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे बोला है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, टोटल 45 स्टूडेंट्स है जिसमें जयपाल जो है वो 12th है फ्रॉम द टॉप एंड। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो लेफ्ट एंड होते हैं इसी को हम लोग टॉप कंसिडर भी करते हैं, ठीक है। और जो ये मेरा एंड है दैट इज़ राइट एंड, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं बॉटम। इसका यही ट्रिक्स है दोस्तों। तो मैंने जे को कहीं भी यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि जे का जो रैंक है वो 12th है फ्रॉम द टॉप। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। अब ध्यान से सोचिए, लॉजिकली सोचिए, जब टोटल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 दिख रहे हैं तो डेफिनेटली जयपाल के बाद में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, दैट इज़ 45 माइनस 12 दैट इज़ हाउ मच, 33। तो क्या होंगे, जयपाल के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे कितने पर्सन्स होंगे, 34। तो जयपाल का रैंक कितना हो जाएगा, 34 अगर यहाँ तक है तो डेफिनेटली जयपाल का जो मेरा रैंक हो जाएगा दैट विल बी 35, ठीक है। अगर आप ये अप्रोच से सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे विद इन 30 सेकेंड्स। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी सिमिलर अप्रोच से सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ किया मैंने, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 42। बट इस केस में जो रानी का जो रैंक है दैट इज़ 22nd फ्रॉम द बॉटम बोला है आपको, दैट मीन्स राइट हैंड, ठीक है। रानी को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, रानी को मैंने यहाँ से प्लेस किया दैट इज़ 22nd। सेम प्रोसेस लगा दीजिए, 42 माइनस 22 दैट इज़ हाउ मच, 20। तो आप बोल सकते हैं कि रानी के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पर्सेंट्स हो जाएंगे, 20। तो रानी का रैंक पूछा है आपसे फ्रॉम द टॉप दैट मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट, तो 20 ये है दोस्तों। तो डेफिनेटली रानी का रैंक कितना हो जाएगा, 21। माफ़ कीजिएगा ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, दैट विल बी 21। अगर आपको फार्मूला का प्रूफ चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, देख लीजिए। लेफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट में रख के माइनस वन, लेफ्ट से कितना आ रहा है आंसर आपका, 21 प्लस राइट से 22। इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, इट विल बी 42, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप कंसेप्चुअली सॉल्व करें तो आपसे एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, आपसे वीडियोस वगैरह रेगुलर आएंगी। देखिए इस क्वेश्चंस को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज़ हाउ मच, दैट इज़ 50। और एम का रैंक आपको बोला है फ्रॉम द टॉप इज हाउ मच, दैट इज़ 8th रैंक। एंड सिमिलरली एच का रैंक कितना बोला है आपको, एच का जो रैंक है दैट इज़ 20th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब आपसे पूछा है दोस्तों हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन एम एंड एच,
इन दोनों के बीच में कितने सारे पर्सन्स है। देखिए लेफ्ट इज़ हाउ मच माई 8 माइन प्लस राइट इज 20, ठीक है, एंड माइनस 1 दैट इज़ 28 माइनस 1 दैट इज़ 27, ठीक है ना। ये जो 27 है आप दोस्तों 50 से लेस कर दीजिए 27, रिमेनिंग हाउ मच 23, बट इसमें माइनस 1 करना होगा आपको, ठीक है। माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 22, दैट मीन्स 22 इज़ द आंसर। अब आप बोलेंगे देखिए 27 तो हम लोग को फार्मूला से मिला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 28 माइनस 1 इज़ 27। ये 27 को मैंने टोटल नंबर ऑफ पर्सन से लेस कर दिया, दैट इज़ 50 से लेस किया मैंने 27 को, तो मुझे मिल गया 23। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये 1 को क्यों लेस किया। इसका एक कंसेप्ट होता है, ध्यान से सोचिए, अगर सपोज़ कोई नंबर है, अगर 10 से मैंने आपको 5 लेस करने के लिए बोला तो आप बोलेंगे सर 5 होगा, बट ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए 5 और 10 के बीच में कितने सारे नंबर्स लाइज करते हैं, दैट इज़ 6, 7, 8 एंड 9, दैट मीन्स 4 नंबर्स मेरे लाइज कर रहे हैं, और ये जो 10 है मेरा वो कॉन्स्टेंट रहता है। सिमिलरली इसी तरह से आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन एम एंड एच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन को। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 42, जोसेफ्स रैंक इज 16 फ्रॉम द टॉप। चलिए जोसेफ्स को मैंने यहाँ पे टॉप रैंक दिया, दैट इज 16 फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला केविन इज 7th रैंक बिलो जोसेफ्स, तो डेफिनेटली अगर जोसेफ्स ये है तो 7th रैंक बिलो, इसमें प्लस 7 कर दीजिए, दैट मीन्स केविन का रैंक लेफ्ट से कितना हो जाएगा 23rd, यस नो, 16 प्लस क्या क्या मैंने 16 प्लस 7 दैट इज 23rd रैंक, ये हो गया मेरा केविन का रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द केविन रैंक फ्रॉम द बॉटम, लगा दीजिए वही फार्मूला 42 माइनस 23 हाउ मच। अगर आप 42 से 23 को लेस करें दैट मीन्स 9, दैट मीन्स 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया दैट मीन्स 1, 19, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक केविन के राइट साइड में 19% हो जाएंगे, और केविन का रैंक कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा ये आपके ऑप्शंस जो है वो 20 हैं, ठीक है, 20 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लॉजिकली सोचिए ना केविन के बाद तो 19 होंगे तो केविन का रैंक कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर रैंकिंग के, आगे भी आने वाले वीडियोस में, अब वीडियोस रेगुलर आएंगे दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा अभी तक वीडियोस काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के बेलतोला में ऑफलाइन क्लासरूम भी रन हो रही है, जिसमें एवरी 15 डेज में और मंथली आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम बैक टू बैक एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन के बाद में दिए गए कंप्लीट डिटेलिंग्स नंबर में जाके आप क्लासरूम की जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशंस और एडमिशंस भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, टॉपिक में आपको डाउट है, आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय।